हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को सारे स्टेजेस को ओवरव्यू किया था। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11th। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन की सारी स्टेजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे अलोंग विद द कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। मियोसिस जो आपका डिवीजन था उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं या फिर हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में आपका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है। यूजुअली हर एक ऑर्गेनिज्म में, जो आपके हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में, क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं हर सेल में। मतलब एक एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी होती है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? पैकेज्ड फॉर्म ऑफ अ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो अब हमें डायरेक्टली क्रोमोसोम पे फोकस करना है। आपको क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमोसोम है क्या, जो डीएनए की पैकेज फॉर्म है जो बनती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अदरवाइज जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं, क्रोमैटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन के बाद जो फर्दर डॉटर सेल बन रही है उसमें हाफ हो जाता है, पेयरिंग हाफ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पेयर में, ये सपोज मेरे पास एक सेल है, इसमें पेयर में है ही नहीं, सारे क्रोमोसोम अलग अलग है। पेयर तो तब बनाते हैं ना जब एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पे 6 क्रोमोसोम है और 6 के 6 अलग है, पेयर के फॉर्म में है ही नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम है, सबके पास अलग अलग जीन है। तो क्या इनको हाफ हाफ कर देंगे, दूसरे तीन तीन? नहीं भाई, ये हाफ हो जाएंगे तो तीन, इसके तीन की इन्फॉर्मेशन नहीं गई, तीन की इन्फॉर्मेशन नहीं गई, तो वहां पे आपका मियोटिक सेल डिवीजन नहीं होता। जो अगर पेयर के फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हाफ होते हैं, और मियोसिस में यही होता है। जहां पे रिक्वायरमेंट होती है ना क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, वहीं पे मियोसिस होगा। गैमेटिक सेल में होता, मियोसिस सेल डिवीजन होता है हायर कैटेगरी के प्लांट और हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो मियोसिस में अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस में हर एक सेल के अंदर एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम, वहां पे आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मींस टोटल 46 क्रोमोसोम आपके होते हैं। लेकिन जब स्पर्म बनते हैं, तो जब स्पर्म बनेंगे या ओवम बनेगा, उस जगह पे मियोटिक सेल डिवीजन होगा, क्योंकि स्पर्म में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। हाफ सेट कम फ्रॉम द फीमेल साइड, और हाफ कहाँ से? कंट्रीब्यूशन होता है मेल पार्टनर से। तो उस टाइप के सेल डिवीजन को हम मियोटिक या फिर हेट्रोटिपिक सेल डिवीजन बोलते हैं। मियोटिक सेल डिवीजन में दो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, लगातार दो डिवीजन होते हैं, इसलिए पहला होगा मियोटिक फर्स्ट। इस मियोटिक फर्स्ट वाले डिवीजन में पेयरिंग हाफ हो जाती है। तो एक सेल से जो दो सेल बनी है, इसमें अगर पहली वाली पेरेंट डॉट, जो पेरेंट सेल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं साइज में, जो पहली आपकी पेरेंट सेल है, ये पहली मतलब पेरेंट सेल जो डिवाइड हो रही है, इसमें अगर पेयर में प्रेजेंट है, और कितने, ये डिपेंड कर रहा है ना कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है हमारे में। जैसे 23 पेयर में जरूरी थोड़ी है सब में आपके 23 पेयर होंगे हर एक, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसको एन से। जो भी जितने भी क्रोमोसोम है वो एन नंबर में है, तो वो पेयर में है, तो 2n लिख दिया। जो पहला मियोटिक डिवीजन होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, nn। फर्दर जो मियोटिक डिवीजन होता है वो सेम माइटोसिस की तरह रहता है, क्योंकि अभी हमने बोला कि भाई जब सेट आधा आधा हो गया, पेयरिंग हट गई, तो उसके आधे आधे थोड़ी ना कर दिए जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं मियोटिक सेकेंड, और ये सेम किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह। मियोटिक फर्स्ट भी आपका मेनली रिडक्शनल डिवीजन है। मियोटिक फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो। जो मियोटिक सेकंड है, यहाँ पे तो एन है और डॉटर सेल दो बनी, वहां पे भी एन है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सो इट इज मियोटिक सेकंड इज अ इक्वेशनल डिवीजन, या फिर आप बोल सकते हैं माइटोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन। अब मियोटिक फर्स्ट हो या फिर मियोटिक सेकेंड हो, दोनों में ही ये चार चार फेजेस जरूर आएंगे, बस कि सीक्वेंस अलग अलग है फर्स्ट और सेकेंड का, इसलिए हम इसमें इसको सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं। तो यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट की चारों स्टेजेस के नाम दिए, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। सिमिलरली बीच में एक आप थोड़ी देर के लिए इंटरकाइनेसिस की फेज आती है, उसके बाद मियोटिक सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोफेज पे, ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। और मियोसिस में प्रोफेज का जो एक स्पेसिफिक फीचर हम लोग ने अभी स्टडी किया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि यहाँ पे प्रोफेज में रेंडमली क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए नहीं होते हैं, पेयरिंग के फॉर्म में आ जाते हैं, पेयर बन जाता है। तो हियर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोफेज फर्स्ट से। फर्स्ट जो प्रोफेज फर्स्ट है, हियर
दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज एंड इट इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ सब स्टेजेस. नंबर ऑफ सब स्टेजेस में आपका डिवाइड है लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो आप इसको कैसे याद रखोगे? लाला जी पिक्चर देखते देखते मर गए से क्या है, दूसरी स्टेज प्रोफेज के पास क्या है, मेटाफेज. तो मर गए, मेटाफेज का ले लीजिएगा एम. तो लिपोटीन से स्टार्ट करते हैं. लिपोटीन हियर. ड्यूरिंग दिस स्टेज द मियोसाइट, जिस सेल में आपका मियोसिस होता है उसको मियोसाइट बोलते हैं, एंड इट्स न्यूक्लियस बिकम लार्जर. अभी प्रोफेज स्टार्ट ही हुई है, उसकी पहला स्टेज आई है प्रोफेज की. तो न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, मियोसाइट आपकी बड़ी हो जाएगी, सेल थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म. वैसे जनरली न्यूक्लियस छोटा होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन अब यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है, मियोसाइट भी आपकी लार्ज हो गई, सेल भी बड़ी हो गई, साइट से न्यूट्रंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि भाई उसको को तो गैमेट बनाना है मेनली, तो गैमेट बनते हैं इस टाइप ऑफ सेल डिविजन से. द क्रोमोजोम बिकम मोर डिस्टिंक्ट. जो आपके इंटर, इससे पहले तो इंटरफेज होती है, तो इंटरफेज में क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इन दिस डायग्राम ये हमने देखा था इंटरफेज. अब प्रोफेज जब स्टार्ट हो रही है, प्रोफेज तो हमने यहाँ पे एक ही में लिख दी, प्रोफेज फर्स्ट, इसकी फर्दर डिवाइज है, तो अब क्रोमोसोम और ज्यादा डिस्टिंक्ट हो जाते हैं. यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में नीचे दिया गया है, क्रोमोसोम और ज्यादा डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, एंड देयर डबल नेचर इज सीन इन मेनी ऑर्गेनिज्म. कुछ में डबल नेचर दिखता है, कुछ में नहीं भी दिखता है. दे अपियर एज अ सिलेंडर थ्रेड्स, जैसे नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है सिलेंडर थ्रेड्स हैं, लॉन्ग थ्रेड्स हैं, बियरिंग अ सीरीज ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर. बहुत सारे बीड्स इसमें, जब आप बहुत ज्यादा पास से माइक्रोस्कोप में देखोगे, यहाँ पे तो एक सेंट्रोमियर को ही शो किया गया, ये सेंट्रोमियर है, लेकिन इसके ऊपर जब ये इसकी कॉइलिंग होती है ना, क्रोमोसोम अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तो छोटे 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 बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से हल्के हल्के, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं तब दिखते हैं. देन दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज क्रोमोमियर्स. बीड लाइक जो स्ट्रक्चर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स. ये लिपोटीन स्टेज में हुआ है, लिपोटीन स्टेज में बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम आपके बनना स्टार्ट हो रहे हैं, अभी बनेंगे पूरा कैंट, आपसे ज्यादा मैक्सिमम कंडेंस होते हैं मेटाफेज में, उसके बाद फर्दर कंडेंसेशन नहीं होता है. तो अभी पैकिंग स्टार्ट हो रही है, जो कॉइलिंग है वो स्टार्ट हो रही है. नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटिन. अब जाइगोटिन में क्या होता है, सी ड्यूरिंग जाइगोनिमा, जो जाइगोटिन स्टेज है, द क्रोमोसोम बिकम और शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं. भाई पैकिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे और पैक फर्दर होंगे शॉर्ट हो जाएंगे, पैक करेंगे तो वो चीज थिक हो जाएगी. जितनी आप शॉर्ट करोगे, एक पेपर है आपके पास, अगर हमने बोला इसको फोल्ड करो, तो पहले तो आप इसको भाई इस तरह से फोल्ड करोगे, टर्न कर दोगे, तो अभी क्या पूरा फोल्ड हो गया? नहीं, इस तरह से फोल्ड हुआ, फिर आप इसको इधर टर्न करोगे तो ये आपका रैप हो गया. तो स्टेप बाय स्टेप बाय चलेंगे ना, तो क्रोमोसोम अभी बनना स्टार्ट हुए थे, पैकेजिंग क्रोमैटिन की स्टार्ट हुई थी, अब जाइगोटिन में और ज्यादा वो शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं. जितना ज्यादा फर्दर आप पेपर को फोल्ड करते चले जाओ, जितना ज्यादा जितनी बार आप फोल्ड हो रहे हो, उतनी ज्यादा वो शॉर्ट तो हो रहा है लेकिन थिक हो रहा है ना. सिमिलरली क्रोमोसोम के पास साथ भी होता है. एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग और साइनेप्सिस. अब इस डायग्राम को हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं. ये जाइगोटिन दे रखा गया है, एक क्रोमोसोम का पेयर ये है, ब्लैक से शो कर देते हैं, ये एक पेयर है. पेयरिंग हमने बोला था ना, स्पेशल फीचर है जो आपका मियोसिस की प्रोफेज का. पेयरिंग माइटोसिस में नहीं होता लेकिन यहाँ पे होती है. तो अभी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, तो उसके ऊपर दो क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमेटिड और दो क्रोमेटिड. लेकिन जाइगोटिन और पैकेटिन में अभी सिर्फ एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों ही अलग अलग नहीं हुए, कंडेंस हुए लेकिन अभी सेपरेट नहीं हुए. एक पेयर ये है और दूसरा पेयर इसका इस तरह से बना हुआ है. अभी इसके क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं हुए, जो मैंने ऊपर यहाँ पे डायग्राम बना के इस तरह से दोनों अलग अलग क्रोमेटिड सेपरेट नहीं, दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं. इसको हम लोग पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस, और जो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, पेयरिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट. बाई मतलब दो, तो ये दो ही तो दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम दिख रहा है, दूसरा भी इसके क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं दिख रहे हैं. फर्दर और ज्यादा कंडेंस होंगे, हर एक स्टेप में कंडेंस होते चले जाएंगे जब तक मेटाफेज नहीं आती है. रीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को. अब ईच पेयर इज कॉल्ड बाईवेलेंट. ईच पेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट, क्योंकि ये देखिए एक पूरा पेयर है, ये एक पेयर हो गया और यहाँ पे दूसरा पेयर हो गया, तो दो पेयर हैं, दोनों ही आपके पेयर हैं, एक जैसे ही, बस कलर दोनों को अलग दिखाया गया डिनोट करने के लिए. एक पेयर और दो पेयर, 23 के पेयर नहीं बना सकते थे. और ये दिख रहा है ना, एक पूरा थ्रेड है, एक वेलेंट और ये दूसरा वाला, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट. आई होप बाईवेलेंट क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा. आफ्टर दैट,
ड्यूरिंग साइनेप्सिस, साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग जब हो रही है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन सेपरेटेड बाय अ स्पेस ऑफ अबाउट 0.15 to 0.20 माइक्रोमीटर विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब इसको देख लेते हैं, व्हाट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पहले इसको पेयरिंग को समझते हैं। ये आपका इंटरफेस थी अगेन सेल, सेल के अंदर जो डीएनए था वो क्रोमैटिन के फॉर्म पे था, डीएनए अलोंग विद द स्टोन प्रोटीन, तभी इस न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से रख पाएंगे। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज आई। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी थोड़ा सा लार्ज हो गया, पूरी तरह से डिसअपीयर नहीं अभी प्रेजेंट है, ये पैक होना स्टार्ट होते हैं, पैकेजिंग क्रोमोसोम की स्टार्ट हो रही है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी क्रोमोसोम बन रहा है लेकिन बीड्स होना था, इनको जो छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स। क्रोमोसोम बन गया और उसके बाद जो जाइगोटीन अभी हम लोग ने स्टडी कर रहे हैं, उस जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस मतलब जिसका सेंट्रोमियर एक जगह पे प्रेजेंट होगा, जिसका साइज सेम होगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस, क्योंकि उनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो भी सेम है। एग्जाम्पल अभी लास्ट क्लास का याद करिए, किसी के घर में घर बनाया था, इसे घर में कीर्तन चल रहा है, बाहर चप्पल उतार के सब अंदर घर के अंदर जा रहे हैं, जब चप्पल जो है जो फुटवेयर है वो बाहर पड़ी हुई है, कायदे से कभी नहीं अरेंज हो जाती है, वो सब एक के ऊपर एक इधर उधर हो जाती है, तो घर का जो एक बच्चा होता है उसको बोल दिया जाता है चलो उसको अरेंज कर दो, थोड़ा सा बाहर से अच्छा लगे, क्योंकि आपके घर में गेस्ट आए हैं तो इम्पैक्ट भी अच्छा पड़े, यहाँ अच्छे से सारी चीजें रखी हुई होती हैं। तो अब जब पेयरिंग करते हैं तो क्या किसी भी फुटवेयर का राइट और लेफ्ट जो शू होता है उसको पेयर करते हैं, स्लीपर्स होती है पेयर करना ही ना, कि डिजाइन एक जैसे, जो पेयर एक्चुअल में होते हैं पेयरिंग कैसे देखते हैं, हाँ ये डिजाइन सेम है तो ये एक पेयर है, ये डिजाइन सेम है ये कलर सेम है तो ये आपका एक दूसरा पेयर है, आप इजिली आइडेंटिफाई कर देते। तो यही पेयरिंग जाइगोटीन में होती है, इसको देख के सेंट्रोमियर की लोकेशन को देख के और लेंथ को देख के और जिनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, अगर हम मॉलिकुलर बेसिस पे लाएंगे जो अंदर जीन प्रेजेंट है जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी सेम होते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं साइनाप्सिस। अब ये दोनों जो है वो एक कुछ डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस होती है, अभी हम लोग ने देखा 0.15 to 0.20 माइक्रोन मीटर, इतनी डिस्टेंस पे होते हैं। अब इन जो डिस्टेंस बनी उसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये आपके दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे इसलिए हम इनको क्या बोल रहे थे, बाइवेलेंट, मतलब अभी बन रहे कंडेंस नहीं हुए पूरी तरह से क्रोमोसोम, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट, क्योंकि अलग अलग क्रोमैटिड्स अभी शो नहीं हो रही है क्रोमोसोम पे, पैकेजिंग स्टार्ट तो हो गई है लेकिन कंप्लीट पैकेजिंग नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में जो ये प्रोटीन है, द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो SC इसको लिखा है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय मोसेस इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ क्रेफिश। क्रेफिश है जिसकी स्पर्म बनाने वाली सेल में जब डिवीजन हो रहा हो ना, गैमेट बन रहे होंगे, स्पर्म बनाने वाली सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही हो, सारा प्रोसेस चल रहा है, जब स्पर्म बन जाएंगे तो दैट मींस मियोसिस हो चुका है, तो स्पर्मेटोसाइट उसमें डिवीजन होगा, उसमें आपका सबसे पहले मोसेस ने देखा था, इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पैरेलल एलिमेंट्स, तीन लगातार पैरेलल एलिमेंट्स होंगे एंड इज सपोज टू ब्रिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब एक जो पेयर के सेट है। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम मैंने दिया है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक साइड ये है और इसकी एक साइड ये है, तो ये तीन हो गया, बीच में क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। आपको इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं स्टडी करना है, आपके लेवल का नहीं, बस ये कॉम्प्लेक्स होता है जो पेयरिंग में रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लिपोटीन, लिपोटीन में पेयरिंग देखिए पास पास आ रहे हैं, स्टार्ट हुए थे दोनों, ये दोनों पास पास आना स्टार्ट हो रहे हैं, जाइगोटीन में कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें दोनों सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे लिपोटीन आपकी पहली स्टेज थी, अभी मैंने यहाँ पे शायद गलती से पैकेटीन लिख दिया था, हियर इट इज लिपोटीन, ये लिपोटीन है, इसके बाद लिपोटीन, लिपोटीन के लाला जी पिक्चर, तो लिपोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, सॉरी यहाँ पे पैकेटीन प्रोनशिएट हो गया था लेकिन ये लिपोटीन स्टेज है। तो जो जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज होगी तो सेपरेशन भी तो स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे ये पेयरिंग स्टार्ट हो रही है लिपोटीन में तीनों की जो होमोलोगस है, जाइगोनीमा में पूरी अच्छे से पेयरिंग हो गई है, लेकिन पैकेटीन में देखिए फिर दूर दूर भाग रहे हैं थोड़ा सा, और ये फिर साथ ही रहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए हम इसको बोल रहे थे जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वहां पे तीन पैरेलल एलिमेंट्स हैं, दो तो क्रोमोसोम के होंगे खुद के और बीच में एक आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेज है इट इज पैकेटीन, पैकेटीन आपकी थर्ड स्टेज है,
पैकेटिंग में क्या होता है, इन दिस स्टेज क्रोमोसोम बिकम और शॉर्ट, क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर। हर एक स्टेज में फोल्डिंग, मतलब एक तरह से पैकेजिंग हो जा रही है, जितनी फोल्डिंग होगी उतना ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा और थिक होता चला जाएगा। पेपर से, पेपर का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ईच क्रोमोसोम इज इन बाइवेलेंट में था, अभी तक दो ही थ्रेड दिख रहे थे, एट दिस स्टेज हैज टू क्रोमेटिड। अब यहाँ पे फर्दर पैकेजिंग हो गई, तो ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर एक दिख रहा था क्रोमोसोम का, अब ये जो फर्दर शॉर्टनिंग हुई तो ये दोनों क्रोमेटिड जो अभी एक हट्टा एक साथ दिख रहे थे सेपरेट दिखने लगेंगे। थे भले ही पहले थे लेकिन अभी एक जैसे एक साथ दिख रहे थे, लेकिन बाद में क्लियरली विजिबल किसमें हो जाएंगे, पैकेटिन स्टेज में। दोनों क्रोमेटिड अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों को अलग हाईलाइट कर देते हैं, क्रोमेटिड एक एक क्रोमोसोम का और दूसरा। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि भाई एक से पहले तो दो सेल में अफवाह को चलेगा, फिर उसके बाद फर्दर दो और सेल बनेंगे ना, तो दोनों के पास इक्वल क्रोमोसोम आने चाहिए। तो यहाँ पे जब दोनों पेयर में दोनों क्रोमेटिड्स दिखने लगेंगे तो चार दिखने लगेंगे, इसको बोलेंगे टेट्राड। दस बाइवेलेंट रियली कंसिस्ट ऑफ फोर क्रोमेटिड्स इन पैकेटिन स्टेज। डायग्राम अगेन यहाँ पे शो किया नहीं गया है, जाइगोटीन में जो क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम थे वो आपके बाइवेलेंट के फॉर्म में थे, इस तरह से एक ही एक ये क्रोमोसोम है, इसका दूसरा पेयर, दूसरा पेयर को ब्लू से बना देते हैं, ये दूसरा है। लेकिन पैकेटिन में फर्दर आपका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फर्दर पैकेजिंग हुई है, जिसकी वजह से अब ये जो और पैक हो गया तो क्रोमेटिड बिल्कुल सेपरेटली दिखने लगे, विजिबल। तो एक बाइवेलेंट जो था, बाइवेलेंट नहीं, एक जो पार्ट था क्रोमोसोम था, इसमें दो पार्ट आ गए, एक ये और दूसरा ये। फिर इसका जो दूसरा सेट था, दूसरा क्रोमोसोम, उसमें भी क्लियरली क्रोमेटिड दिखने लगे ये आप टोटल कितने दिखेंगे, अभी तक तो हम इनको क्या बोल रहे थे, बाइवेलेंट एक और दो, लेकिन अब यहाँ पे कितने होंगे, एक दो तीन चार, तो इनको बोलेंगे बाई टेट्राड, दीज आर नोन एज टेट्राड। ये कब दिखता है, पैकेटिन में टेट्राड दिखते हैं, यहाँ पे शो नहीं किया गया है इस डायग्राम में, बट दिया गया है ये टेट्राड है। इसमें हम इसको कंप्लीट इमेज कर देते हैं, मुझे और कोई इमेज मिली नहीं सही से थोड़ी सी, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं यहीं पे। टेट्राइड इस तरह से होगा, ये एक और ये दूसरा सेट, और ब्लू वाले का भी एक सेट और दूसरा सेट, इस तरह से ये टेट्राइड है। दोनों में जो एक एक क्रोमोसोम था उसमें क्लियरली क्रोमेटिड दिखने लगे, तभी हम उसको बोल रहे हैं टेट्राइड। ये किस स्टेज में होता है, पैकेटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, एट दिस स्टेज इंटरचेंज ऑफ क्रोमेटिक सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। अब इस स्टेज पे क्रोमोसोम होमोलोगस है, सपोज आपके पास शूज का एक पेयर है, तो क्या किसी शूज में जो एक डिजाइन बनी हुई है दूसरे में टैग लगा हुआ है दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ, क्योंकि दोनों पेयर एक का इधर है तो एक का इधर लगा दिया, या शू लेस एक्सचेंज हो सकते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्ट एक्सचेंज होता है, बहुत सारा पार्ट भी एक्सचेंज हो रहा होगा या कुछ जगह पे हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और अभी भी न्यूक्लियोलस परसिस्ट करता है उस सेल के अंदर, अभी डिसअपीयर नहीं हुआ है। अब ये समझते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज ये दो कपल हैं, एक मेल पार्टनर है और एक फीमेल है, ठीक, इनकी शादी हुई, या पहले तो हम देखते हैं मेल जो है, मेल पार्टनर है, मेल है, इसके जो हेयर का कलर है, हेयर का कलर ब्लैक है, और जो फीमेल का है इसका ब्राउन है, बीआर से लिख दिया। इसका जो हेयर का टेक्सचर है, हेयर का टेक्सचर ये स्ट्रेट है मेल के, ठीक है, और जो फीमेल है उसका हेयर का टेक्सचर कैसा है, कर्ली है, कर्ली हेयर्स है। तो ये भाई जीनी तो कैरी करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन को कि हाँ ब्लैक होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, कर्ली होनी चाहिए। अब इनके जब गैमेट बनेंगे तो इनके पेरेंट्स से भी तो कुछ ना कुछ करेक्टर आया होगा कलर का और हेयर के टेक्सचर का, तो गैमेट इनकी मदर साइड से भी आया होगा, तो दोनों ही जरूरी है, ब्लैक हो तो दोनों एक जैसे हो। जब गैमेट बन रहे हैं तो गैमेट के टाइम पे जो स्पर्म बन रहे हैं तो होमोलोगस पेयर कैसे बनेंगे भाई, होमोलोगस एक सेट किधर साइड से आया था, इनके इनके खुद के फादर के साइड से, उनकी मदर साइड से, इसका दूसरा पेयर भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें लेट करते हैं, लेट अस सपोज कि इस जगह पे एक जगह पे हेयर के कलर का जीन यहाँ पे पड़ा है और दूसरी जगह पे हेयर के टेक्सचर का जीन है, तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आए तो उसमें क्या जरूरी है कि ब्लैक हेयर के साथ स्ट्रेट हो, ब्लैक के साथ कर्ली हो सकते हैं, ब्लैक के साथ आपका थोड़े से रफ से हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, ये टेक्सचर है।
तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है कि इंटरचेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ब्लैक है तो कंपल्शन है कि स्ट्रेट वाला ही जीन जाएगा, नहीं, तो वो पार्ट सेगमेंट चेंज हो जाता है, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है कि नए नए कॉम्बिनेशन बने। तो क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द रिकॉम्बिनेशन, कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसके पास ये करेक्टर्स हैं, तो नेक्स्ट करेक्टर्स या तो अगर हेयर आए ब्लैक आए तो स्ट्रेट ही आने चाहिए, नया कॉम्बिनेशन बन सकता है। और मदर में भी यही, इनके पेरेंट्स का भी कॉम्बिनेशन जो आया होगा उसके भी नए कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। तो अब इसके बाद भी बच्चे में इन दोनों का नहीं ट्रांसफर होगा, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, ब्लैक के साथ स्ट्रेट भी है, ब्राउन के साथ कर्ली भी है, या फिर यहाँ पे भले ही ब्लैक एक्सप्रेस हुआ है लेकिन इनके पास जो पापा थे जो मेल का हमने बताया, ये जो ब्लैक एक्सप्रेस हुआ है इसमें इनकी मदर के ब्लैक हेयर थे लेकिन पापा के ब्राउन हेयर थे इनके। तो गैमेट जब बने होंगे तो इसमें हम सोच रहे हैं एक्सचेंज हो जाए, तो वो सेम क्रोमोसोम का होता है। तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर में इतना याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो सेम जगह पे सेम जीन होते हैं, तो कोई इधर इंटरचेंज हो सकता है, तो नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग करेक्टर्स के। ये आपका क्रॉसिंग ओवर था। नेक्स्ट स्टेप क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक्सचेंज हो गया है यहाँ पे। दूसरी जो स्टेज है इट इज डिप्लोटीन, द क्रोमोसोम फर्दर थिकेंड, और अभी फिर भी लगातार थिक होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे थिक होंगे शॉर्ट होते चले जाएंगे। बाय नाउ इंटीमेटली पेयर क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर, अभी तक तो साइनोप्टोनिवल कॉम्प्लेक्स से पास आए थे, अब फिर से क्या होंगे, रिपेल होंगे, थोड़ा सा दूर पे होंगे, पेयरिंग नहीं रहेंगे लेकिन थोड़े दूर दूरी पर रहेंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल होता है ना मैग्नेट का, दूरी पे होता है, उसको एक को शिफ्ट करता है दूसरा वाला शिफ्ट हो जाता है और एक ही डिस्टेंस मेंटेन रहती है। सिमिलरली ये दोनों रिपेल तो करेंगे लेकिन एक डिस्टेंस के दोनों पेयर के फॉर्म में अरेंज रहेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एंड बिगेन टू सेपरेट। द सेपरेशन स्टार्ट एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है, दोनों जो पेयर बने थे इस तरह से, तो सेंट्रोमियर जहां से होगा वहां से सेपरेशन इस तरह जिप्स की जिप की तरह खुलना स्टार्ट हो जाएगा और सेपरेट हो जाएंगे टूवर्ड्स द एंड। कियाजमेटा क्या है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, जहां पे वो पॉइंट ऑफ कट का अटैचमेंट था उसको हम कियाजमेटा बोलते हैं, उसको भी हटाना पड़ता है, तो टर्मिनेट करता है, दैट इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। However, the separation is not complete. एक पॉइंट से एक जुड़े रहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको कियाजमेटा बोलते हैं, which represent the place of crossing over, जहां से पार्ट एक्सचेंज हुआ था वहां पे जुड़े हुए हैं। अब इस कियाजमेटा को भी हटाना है, दोनों को अलग करना है पेयर में, हो गई क्रॉसिंग ओवर, पार्ट एक्सचेंज हो गया, उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद थोड़ी ना जुड़े रहेंगे, काम खत्म। तो ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द क्रोमोसोम द कियाजमेटा मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। कियाजमेटा होता है वो टर्मिनल पार्ट पे मूव करना स्टार्ट हो जाता है, और कियाजमेटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज बट एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द पैक, एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा था पैकेटीन में, लेकिन कियाजमेटा दिख कहाँ पे रहा था, डिप्लोटीन में। डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन रिपीट करेंगे पूरे सारे सीक्वेंस को। हियर इट इज इंटरफेस, इंटरफेस में क्रोमैटिन के फॉर्म में, देन आपका लिपोटीन, लिपोटीन में आपका एक सिंगल सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का बनना स्टार्ट हो गया, सेंट्रोमियर है इस तरह से, ये आपका था लिपोटीन। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है जाइगोटीन में, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो दो एक जैसे आपके, अब यहाँ पे दो अलग अलग कलर से शो कर देते हैं, एक पेयर ये है और दूसरा शॉर्ट में है, इसका दूसरा पेयर रेड कलर से ड्रॉ कर देते हैं। साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, इनमें अभी सिर्फ क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, दो ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसलिए हमने बाइवेलेंट बोला था। तो लिपोटीन जाइगोटीन, देन उसके बाद पैकेटीन, पैकेटीन में जो क्रोमोसोम यहाँ पे बन रहे थे वो बिल्कुल सेपरेटली इसके क्रोमैटिड्स दिखना शुरू हो गए, ये किसमें हो रहा था, पैकेटीन में, और पेयरिंग के फॉर्म में ही थे, तो अब ये चारों दिख रहे हैं, तो इनको हम लोग बोल रहे हैं टेट्राड। नेक्स्ट, अब ये क्रोमोसोम एक के ऊपर इस तरह से अरेंज है, तो इनका जो सेम सेम पार्ट है वहां से एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है, तो एक्सचेंज देखिए किस तरह से होता है, वो रेस कर दे रहे। जो नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन अभी पढ़ा हम लोगों ने, सो पेयरिंग कंप्लीट हो गई थी, पैकेटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गया था, कियाज्मा आपका डिप्लोटीन में शो हुआ था। ये आपका एक क्रोमैटिड है, उसकी एक आर होमोलोगस पेयर को ड्रॉ कर रहे हैं, और इधर इसकी एक आर, एक से ज्यादा जगह पे आपका क्रॉस, इसका दूसरा जो पेयर है उसकी दूसरी क्रोमैटिड। अब यहां से पार्ट एक्सचेंज हो रहा है और दोनों पे सेम ही इंफॉर्मेशन है, ये पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद ये सेपरेट होंगे, सेपरेट किस में हो रहे हैं, डिप्लोटीन पे, और जो पार्ट ऑफ एक्सचेंज है जिस जगह से हो रहा था यहाँ पे कियाज्मा,
इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर और जहां से एक्सचेंज हो रहा है उसको कियाज्मा बोलते हैं। कियाज्मा वाला पॉइंट दिखता कब है, डिप्लोटीन की स्टेज में, और वहां पे फिर कियाज्मा जब एक्सचेंज हो जाता है तो ये मूव करता है कहां पे, टर्मिनल पोजीशन पे, कि दोनों क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए और इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन रहे, कुछ डिस्टेंस पर रहे, पेयरिंग कभी भी खत्म नहीं होगी, पेयर के फॉर्म में ही रहेंगे। तो हियर ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा फर्दर, ये जो ब्लू वाला था इसमें आपका रेड का थोड़ा सा पार्ट आ गया, कलर नहीं शो होता है लेकिन पार्ट एक्सचेंज हो गया है, और दिखाने के लिए मैंने दो कलर को शो यहाँ पे यूज किया, रेड वाले का पार्ट आ गया, कियाज्मेटा हट गया, सिमिलरली रेड वाले के पास ब्लू वाले का पार्ट आ गया थोड़ा सा, तो इस चीज को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, पार्ट एक्सचेंज हो गया, नया रिकॉम्बिनेशन बन गया जीन्स का, नया कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे कोई और जीन के साथ कोई और जीन का कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे कोई और के साथ कोई और का आ गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था इसको हम लोग कियाज्मा बोल रहे थे, और इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोल रहे थे। तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में हो रहा है, कियाज्मा कब दिखता है, क्लियरली विजिबल होता है डिप्लोटीन में, और कियाज्मा मूव करता है पोल पे क्योंकि अब ये दोनों क्रोम सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि जो पार्ट था वो एक्सचेंज हो चुका है, जहां जहां पे एक्सचेंज हो रहा होगा वहां वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, उतने कियाज्मा फॉर्म हो रहे होंगे। तो ये आपका कियाज्मा दे रखा गया है इस डायग्राम में, देखिए इतना पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक ही जगह पे दिखाया गया डिप्लोटीन है, और यहीं पे ही सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, कियाज्मा दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है पैकेटीन में, कियाज्मा दिखता है डिप्लोटीन में, और फिर ये कियाज्मा ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की, तो फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। इन दिस स्टेज क्रोमोसोम बिकम वेरी शॉर्ट थिक एंड कॉइल्ड, और ज्यादा शॉर्ट थिक एंड कॉइल्ड हो जाते हैं, बाइवेलेंट आर सेपरेटेड ऑफ, बाइवेलेंट बोलो या टेट्राड बोलो, बाइवेलेंट एक एक क्रोमोसोम का जो पेयर है उसको बाइवेलेंट बोल रहे हैं, उसमें दो दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है, तो चार क्रोमेटिड्स हो गए, तो इसलिए हम लोग टेट्राड बोल रहे थे, वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, एंड दे मूव टूवर्ड्स अ पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस, जितने भी आपके बाइवेलेंट है न्यूक्लियस की पेरीफेरी की तरफ मूव करते चले जाते हैं, पोल की तरफ थोड़ा सा आ जाएंगे साइड, अभी पेरीफेरी पे नॉट पोल, अभी पेरीफेरी पे कलेक्टेड होंगे थोड़ा सा किनारे बाउंड्री पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब खत्म हो जाएगी क्योंकि प्रोफेज का फीचर होता है कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट था वो अब कॉमन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, स्पिंडल आर फुली फॉर्म्ड एंड वेल ओरिएंटेड, स्पिंडल भी बन जाएंगे। ये आपका डिप्लोटीन का था, कियाज्मा बन रहा था, डाइकाइनेसिस में देखिए सेंट्रोसोम हो गया है आपका, और यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, पार्ट नहीं चेंज हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर क्रोमेटिड दिख रहा है, इस तरह से अरेंज है, तो लग रहा है वो चेंज हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, वो सेपरेट एक पेयर के फॉर्म में एक जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका डाइकाइनेसिस हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, जैसे जैसे आप तो देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है लेकिन डाइकाइनेसिस खत्म हो गई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा, और सारे के सारे जितने भी पेयर्स थे वो पेरीफेरी की तरफ अरेंज हो जाएंगे, पेरीफेरी मतलब इसकी बाउंड्री की तरफ अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो हम लोगों ने प्रोफेज की सारी स्टेजेस को स्टडी कर लिया है, एक बार हम लोग प्रोफेज की सारी स्टेजेस को रिकॉल करेंगे कि हर एक स्टेज में क्या क्या होता है। तो प्रोफेज जो फर्स्ट थी इसकी पहली स्टेज थी लिपोटीन, लिपोटीन में क्रोमोसोम का भी फॉर्मेशन हुआ था लेकिन अभी लेंथ अभी ज्यादा फोल्ड नहीं होता, लेंथ बड़ी है। उसके बाद जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हो गई थी, इस पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस, और क्योंकि अभी एक एक थ्रेड ही दिख रहा है, क्रोमेटिड एक दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे, तो दो पेयर के जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उनको हम लोग बाइवेलेंट बोल रहे थे, और इनके बीच में एक और प्रोटीन आ जाता था उसको हम लोग बोलते साइनोक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकेटीन में जो क्रोमेटिड्स थे क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे इसको डायग्राम को कंप्लीट किया था, इस तरह से आपको एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड दिखना शुरू हो गए थे, तो दो थे क्रोमोसोम इसलिए बाइवेलेंट, और क्रोमेटिड्स दो दो दोनों के दिखने लगे तो टेट्राड कंडीशन आ गई। डिप्लोटीन पैकेटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गया था, डिप्लोटीन में जहां से चेंज हो रहा था पॉइंट वो दिखना शुरू हो गया था, उसको हम लोग कियाज्मा बोल रहे थे, और कियाज्मा फिर डिप्लो जैसे ही खत्म हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा तो कियाज्मा मूव करेगा टर्मिनल पॉइंट पे, तो टर्मिनलाइजेशन हो रहा था, टर्मिनलाइजेशन। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, पूरी मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, सारे जो पेयर थे वो आपका पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगे, सेंट्रोसोम आपका डुप्लीकेट कर ही चुके हैं वो भी अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, और जो उसके प्रोफेज के बाद जो फर्स्ट स्टेज आएगी सारे जो पेयर थे वो मेटाफेज पे आपका कंसंट्रेट हो गया, कलेक्ट अरेंज हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज फर्स्ट, इसमें जो क्रोमोसोम है सारे के सारे कहाँ पे अरेंज हो गए, पेयर के फॉर्म में सेंटर पे अरेंज हो गए, ये था यहाँ पे अगर सेंट्रोसोम इधर है, यहाँ से स्पिंडल एपरेटस निकला, यहाँ से निकला, अब जो क्रोमोसोम क्योंकि क्योंकि उनकी पेयरिंग हो चुकी थी तो पेयर के फॉर्म में ही ड्रॉ कर देते हैं, एक क्रोमोसोम यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम, और इसके पेयर इनके पेयर्स को भी ड्रॉ कर देते हैं, तो दूसरा पेयर पेयर इक्वेटोरियल प्लेट पे कलेक्ट है, थोड़ा सा ऊपर बन गया। अब
क्योंकि देखिए एक साइड के सेंट्रो एक क्रोमोसोम पे ऐसे एक ही साइड से स्पिंडल अटैच है, दूसरा फ्री है, यहाँ पे कहाँ से अटैच है स्पिंडल नहीं, दूसरे वाले इसका जो पेयर है उसके भी एक ही साइड से सेंट्रोमियर से अटैच है स्पिंडल, सिमिलरली यहाँ पे है। अब मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगी, एनाफेज में स्पिंडल या पेपरेट स्पिंडल जब जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं स्पिंडल ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये पेयरिंग हाफ हो जाएगी, क्योंकि 23 पेयर्स यहाँ पे अरेंज थे, पेयरिंग हाफ हो गई इन दिस डायग्राम, ये 23 अरेंज थे, एक एक पेयर में से एक ही एक सेंट्रोमियर से आपका एक ही एक साइड से सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अरेंज थे। इसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे बाइवेलेंट, जिसकी वजह फिर आप डायड बोल सकते हो उसको, बाइवेलेंट डाई मतलब भी दो होता है, डायड अपोजिट पोल पे मूव करेंगे और यह आपका IJL शेप ले लेते हैं। डायड ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम इज कंप्लीटली सेपरेटेड, डायड ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों ही मैटरनल और पैटर्नल सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस एज दिस इज स्टेज इज नोन एज डिसजंक्शन। इन दिस डायग्राम एनाफेज लास्ट फेज जो बनी हुई है वो एनाफेज की दी गई है, एनाफेज ये क्रोमोसोम जो पेयर थी वो हाफ हो गया क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, ये आपकी मेटाफेज थी तो पेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है और ये आपकी प्रोफेज अभी खत्म ही हुई थी, तो प्रोफेज को तो हमने लेंथी में पूरा पढ़ा हुआ है। आफ्टर दैट टीलोफेज आ जाएगी जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनेगा, क्रोमोसोम क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे क्योंकि आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, एट अपोजिट पोल्स क्रोमोसोम बिकम अनकॉइल्ड दूसरे पोल पे चले जाएंगे, अनकॉइल्ड हो जाएंगे एंड गेट इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएंगे। तो हेयर लास्ट डायग्राम में टीलोफेज शो करा गया है, तो एक बार फिर से लिख देते हैं, इंटरफेस प्रोफेज मेटाफेज पे सेंटर पे अरेंज है, पेयरिंग हाफ हो गई, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एनाफेज और टीलोफेज में अपोजिट पोल पे जब चले गए तो फिर से क्रोमोसोम आपके क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट हो गई। इसके बाद लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, दो एक जो सेल थी उसमें अब यहाँ पे दो पेयर में थे दो सेल में डिवाइड हो गई, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है, दो डॉटर सेल बन गई। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है मियोसिस का, पहली स्टेज कंप्लीट हुई है तो दो सेल बनी और ये दो सेल फर्दर डिवाइड होंगी तो आपकी चार सेल बनती है। इस मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस जो सेकंड के बेस में थोड़ी फेज के में थोड़ी देर के लिए जो टाइम पीरियड आता है फिर से क्रोमोसोम क्रोमैटिन में आ जाते हैं, फिर से क्रोमोसोम जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा फिर से क्रोमोसोम बनने हैं लेकिन आ गए हैं क्रोमैटिन के फॉर्म में, तो इतनी देर की फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस क्योंकि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच की है। तो दिस इज द इंटरफेस स्टेज बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन, इट मे बी लॉन्गर ड्यूरेशन और शॉर्ट, ये ज्यादा देर की भी हो सकती है शॉर्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से टाइप की सेल्स और कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेज को, नेक्स्ट स्टेज में आपका क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है तो हैप्लॉइड कंटेंट रहता है, इसके बाद फर्दर डिवाइड होगी सेल तो वहां पे भी हैप्लॉइड कंटेंट ही रहेगा, हैप्लॉइड कंटेंट मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो पेयरिंग था वो हाफ हो गई है डिवाइड बाय अ प्रोसेस व्हिच इज सिमिलर टू द माइटोसिस, और यहाँ पे फोर सेल बनेंगी क्योंकि एक से दो दो का फर्दर डिवाइड है, वो फोर हैप्लॉइड न्यूक्लिया की सेल्स बनेंगी। अब ये डिवीजन में जो भी स्टेजेस होंगे उसमें प्रोफेज फर्स्ट मेटाफेज सेकंड डॉट प्रोफेज प्रोफेज सेकंड मेटाफेज सेकंड एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, इसके कंटेंट को बाद में रीड करेंगे पहले डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। तो ये सारी मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस थी, इसके बाद यहाँ से ये जो फर्दर दो सेल फॉर्म हुई एक और दो, यहाँ पे डीएनए का कंटेंट जो था वो हैप्लॉइड हो चुका था, क्रोमैटिड फिर से कंटेंट्स होंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो अपेयर हुई थी वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियस डिसअपेयर स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोफेज आपका नॉर्मली मेटाफेज का जो प्रोफेज है उसकी तरह ही होगा। दैट मीन्स कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, सुनिएगा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे क्रोमोसोम का बनना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होगी मेटाफेज स्टार्ट होगी, पूरी तरह से न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, क्रोमोसोम पूरी तरह से फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे तो पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि पेयरिंग तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी है, सारे के सारे कितने फॉर्म क्रोमोसोम हो गए, अगर ह्यूमन सेल की बात करें 23 एंड 23 दोनों सेल में प्रेजेंट है। अब जब स्पिंडल फाइबर और जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और उनसे जो स्पिंडल फाइबर होंगे तो एक क्रोमोसोम के दोनों सेंट्रो दोनों साइड से स्पिंडल अपरेटस जुड़े हुए होंगे। अब यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट होती है, ये क्रोमैटिड्स ही वो सेपरेट हो जाएंगी एनाफेज में जब आपका स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये देखिए क्रोमैटिड सेपरेट हो गई एक क्रोमोसोम की, यहाँ पे भी सेपरेट हो गई और फिर से जैसे ही सेपरेट हुई पोल पे मूव करेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमैटिन का फॉर्म ले लेंगे और एक जो सेल थी वो दो सेल में साइटोकाइनेसिस टीलोफेज हो गई, जब पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, चार सेल बन जाएंगे।
नाउ रीड कर लेते हैं कंटेंट को. प्रोफेज सेकेंड, इन दिस स्टेज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमोसोम फिर से आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में. अभी तो क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गए थे इंटरकाइनेसिस में. इसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो रहा होगा. मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे इक्टोरियल प्लेट पे और हर एक क्रोमोसोम से दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा. सेंट्रोमियर ऑल्सो डिवाइड, सेंट्रोमियर भी डिवाइड होगा. एनाफेज में क्या था भाई, जो स्पिंडल था वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट बाय विच पुलिंग फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द सेंट्रोमियर. एज अ रिजल्ट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स पुल कर लेंगी अपोजिट पोल पे. टेलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी. क्रोमेटिड्स आपका क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे. न्यूक्लियर फिर से आ जाएगा. साइटोकाइनेसिस साइटोप्लास्ट का डिवीजन हो जाएगा और दो डॉटर न्यूक्लियर डिवाइड हो जाए सेपरेट हो जाएंगी. दस टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ईच न्यूक्लियर सेल्स हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा. फोर हैप्लोइड सेल्स बन गई है आपकी एक मियोसिस मियोटिक डिवीजन से. रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से सारे मियोसिस के स्टेप्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका थोड़ा नहीं काफी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है. तो हियर सबसे पहले इंटरफेस को स्टडी किया था. फिर हम लोगों ने प्रोफेज की, कौन सी फेज थी, लिपोटीन. लिपोटीन में क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुए थे. उसके बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हो गई. तो बाइवेलेंट हम लोग बोल रहे थे और पेयरिंग वाले स्टेप को हम लोग क्या बोलते थे, साइनाप्सिस. और यहीं पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था. आफ्टर दैट पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, क्रोमोसोम का पार्ट एक्सचेंज हो रहे थे, जो पेयर थे भाई नया कॉम्बिनेशन बना रहे थे तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था. लेकिन जहां से क्रॉसिंग ओवर हो रहा था उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कियाज्मा. वो किसमें दिखता था, डिप्लोटीन में. और यहाँ पे कियाज्मा जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, पार्ट एक्सचेंज हो गया, अब सेपरेट हो जाते हैं लेकिन एक एक डिस्टेंस पे मेंटेन रहते हैं, पेयरिंग कभी हाफ नहीं होती है. और डाइकाइनेसिस में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है. मेटाफेज में पेयर के फॉर्म में सारे अरेंज हो जाते हैं और फिर स्पिंडल आपके जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पेयरिंग हाफ हो जाती है. फिर बाकी का सारा कुछ सेम जाता है एनाफेज एटिलोफेज में और साइटोकाइनेसिस. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.